चलिए आज बनाएंगे मैगी एक नई स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने मैगी का एक पैकेट लिया है। सबसे पहले हम मैगी के नूडल्स जो होते हैं, सिर्फ मैगी के नूडल्स को हम बॉईल कर लेंगे। उसमें हमें मसाला बिल्कुल नहीं डालना है। एक बाउल में यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़े से इसमें सीड्स मैगी मसाला हम इसमें डाल रहे हैं। जब मैगी बॉईल कर रहे थे उसमें नहीं डाला है, यहाँ पर डालना है। फिर पानी लिया है 2 टेबल स्पून के करीब और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। और फिर इस तरीके का एक मसाला तैयार कर लेना है। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम कीजिए, उसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर हल्दी पाउडर डाल दे और फिर वो जो ऑयल है वो इस मसाले में हमें डाल देना है। तो थोड़ा सा स्पाइसी मसालेदार वाला ये नूडल्स बनेगा। तो इसमें हमने डाल दिया, फिर इसको आप इस अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसमें मिलाएंगे सोया सॉस। तो ये एक पैकेट के करीब मैंने ये बना रही हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं सोया सॉस जो है वो लूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। अब ये सोया सॉस हमने इसमें मिक्स कर देना है और फिर से इसको अच्छे से मिला दीजिए। फिर हम 1/2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे पीनट बटर। तो ये पीनट बटर हमने यहाँ पर लिया है, अब इसको भी हम इसमें मिला देंगे अच्छे से। आपको ये अजीब सी रेसिपी लगेगी लेकिन जब आप इसे टेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। बहुत अलग स्टाइल में ये नूडल्स बनते हैं, बहुत टेस्टी वाले बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो भी है वो रेडी है। फिर जो हमने बॉईल किए हुए नूडल्स है वो डाल देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बस आपके नूडल्स तैयार। गर्मा गर्म इसे परोसिए, बस ऐसे ही खाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्पाइसी मसालेदार नूडल्स तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए ये नूडल्स। और इसमें आप जो भी चिली फ्लेक्स है वो थोड़ा सा ऊपर से डाल दीजिए और आपके नूडल्स एकदम रेडी हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिए इस नूडल्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।